Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your chapter number 3, Why Do We Need a Parliament, from your book Civics. ठीक है, सो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं, रोल ऑफ पार्लियामेंट. अब हम ढंग से समझेंगे कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है. हमने समझ लिया था कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, लेकिन उसके रोल्स क्या क्या होते हैं, पार्लियामेंट किस तरीके से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है हमारे देश में. ठीक है, पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, यानी कि भाई पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, क्योंकि वो एरे गहरे लोग नहीं होते हैं उसके अंदर. उसके अंदर लोग होते हैं जो डायरेक्ट जनता से चुने होते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव, जिनके पास एक मुद्दा होता है लड़ने के लिए. ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटेड बाय द पीपल, यानी कि लोगों के हित में जो बात करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और पार्लियामेंट में तो सारे वही होते हैं. ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि वो डायरेक्ट लोगों का पक्ष लेके ही बात कर रहा है. एंड इलेक्शंस इन पार्लियामेंट हेल्ड इन 5 ईयर्स, जैसे लोकसभा में भी 5 साल का इलेक्शन होता है, वैसे ही पार्लियामेंट में भी 5 ईयर्स के स्पैन ऑफ टाइम में इलेक्शन होता है. ठीक है, फिर आता है पार्लियामेंट हैव अ पर्सन फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, फ्रॉम अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. अब आपको समझना है कि कंस्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं. कंस्टिट्यूएंसी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उधर से एक मेंबर आता है, वो एक पार्टी फॉर्म करता है. 25 साल से ऊपर का होना चाहिए एंड इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, साथ ही साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करता है और उसका मुद्दा एक होना चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर मुद्दे पे होना चाहिए जिससे वो नॉमिनेट हो पाए, उस मुद्दे को लेके वो नॉमिनेट करा जाता है पार्लियामेंट के अंदर. सो एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक एरिया से क्या आता है, एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और एक मुद्दे पे क्या करता है, एक मुद्दे पे चर्चा एंड उस मुद्दे को सामने लेके आता है पार्लियामेंट में. उसकी तो पहले से ही पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, तो वो आगे जाके अगर जीत गया तो उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है. ठीक है, फिर क्या हो गया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. आप तो जानते हैं बहुत से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इवन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारी, राइट, 543 एरियाज है, तो हर एक एरिया से एक एक मेंबर आता है पार्लियामेंट के अंदर. ठीक है, और क्या बोला है, पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, कोई आरएसएस का है, कोई बीजेपी का है, सब लोग अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को नाम भी देते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देखिए आम आदमी पार्टी, यानी कि लोगों के हित में पार्टी, भाई लोगों में बहुत शक्ति होती है और जो उनके लिए लड़ रहा है, ऑब्वियसली सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं के लिए लड़ती हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, इलेक्टेड कैंडिडेट्स बिकेम एमपीज, क्रिएट पार्लियामेंट हैज सम फंक्शंस. ठीक है, सो पार्लियामेंट के भी कुछ फंक्शंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि इलेक्टेड कैंडिडेट्स यानी कि जो कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट का भी इलेक्शन होता है, 2 साल का स्पैन ऑफ टाइम होता है, मतलब कि 2 से 5 साल का स्पैन ऑफ टाइम होता है. ठीक है, कभी कभी वैरी होता रहता है ये. साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट पार्लियामेंट, सो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में रहते हैं और वही पार्लियामेंट को क्रिएट करते हैं और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं. पार्लियामेंट के मेंबर को कहा जाता है एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, सो इसी के साथ रोल ऑफ पार्लियामेंट हमने समझ लिया है. पार्लियामेंट के पास काफी ज्यादा पावर होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट लोगों से इलेक्ट होता है, इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, और पार्लियामेंट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 है, एक एक जगह से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, और फिर उसकी पार्टी को अगर मेजोरिटी मिल गई तो वो फॉर्म करता है गवर्नमेंट. ठीक है, सो ये हमने पूरा टॉपिक कर लिया, बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.